बच्चों का अटैचमेंट हमेशा माँ से रहा है। आपने आदिल को पढ़ाया है या कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही हो किसी चीज में? माहिरा ही देखती हूँ ज्यादा चीज। और बाबा ने हमेशा दूर रहने का तर्क सहारा। वो वाले अब्बा नहीं थे कि रातों को उठ उठ के उसको दूध पिलाना या उसका डायपर में हेल्प करना या उसका कुछ बैग बना देना, उसको कुछ खिला देना? वो वाले अब्बा नहीं थे वसीम बदा कभी भी। मैं आदिल की बर्थ भी शायद मुझको इतना ज्यादा काम में और ये वो कि जाहिर है जिंदगी में ग्रो कर रहा था करियर। बात पढ़ाई की हो या खिलौना खरीदने की, उसको अगर कभी कोई चीज लेनी भी होगी तो अपनी वालदा से कह देगा, लेकिन वो मुझे बड़ा बहाने से बताएगा। मेरा बेटा जब ऑनलाइन क्लास दे रहा था, दोस्त बनाकर बच्चे सब बता जाते हैं। वो उसने यकदम जो है वो किसी सवाल के जवाब में पूछा कि मम्मी मेरे इसके क्या जवाब है, या मेरी बेगम मुझे बताएंगे कि उसको ये चाहिए। और पापा इस दोस्ती की रेस में अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो पापा घर पर ही नहीं आते हैं, तो पापा कैसे पता कि आप काटो? फिर आदिल के पापा ने ये ठाना है साथ पढ़ते हैं, तब वो दोस्तों अलग आओ या चलो नमाज पढ़ने चलते हैं, चलो टेबल टेनिस खेलते हैं, चलो दुआ पढ़ते हैं साथ, चलो गपशप लगाते हैं, अकेले भी हम बात करते हैं कि दोस्त क्या हाल है, ठीक हो गए वो, अब क्या अम्मी डांट तो नहीं जाती? एक बाप की कोशिश है जारी तो कि मैं जितना टाइम उसको देता था उसे डबल टाइम देता हूं। कैसे होती है बाबा और आदिल की यारी? मैंने ऐसे से सीखी है कि आप दुनियावी एतबार से आप कहीं भी पहुंच जाए, ये बेटे के साथ बैठना इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं।